हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये है मेरी एक नॉर्मल सी सुबह रैंडम डे की। ये व्लॉग एक्चुअली काफ़ी पुराना है बट मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिला तो आज कर रहा हूँ। मैं सुबह उठ गया था करीबन 9-10 बजे और उठ के मैंने अपना बेड बनाया। उसके बाद मैं चला गया ब्रश करने के लिए। आई डोंट नो एक अच्छी आदत है या बुरी आदत है बट जब तक मैं ब्रश नहीं कर लेता मैं किसी से बातें नहीं करता हूँ। पहला काम मैं यही करता हूँ कि मैं अपने दांतों को ब्रश कर लेता हूँ काफ़ी देर। फिर उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करता हूँ आईज को अच्छे से रब वगैरह करके। फेस वॉश करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए क्योंकि सारे दूसरी तरफ बैठे थे और मैं इस तरफ सो रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी क्योंकि 9-10 बज गए थे। देन आई गो एंड हैव माई फर्स्ट कप ऑफ कॉफ़ी। आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज हम जाएंगे फर्नीचर देखने के लिए शादी का, और उसके लिए काफ़ी सारे लोग जाएंगे, मैं, मेरे ताऊ जी, भैया। और ये है आफ्टरनून की वीडियो। कॉफ़ी, चाय पीने के बाद मुझे यहाँ पे कॉफ़ी मिल गई थी जो कि काफ़ी दिनों से मैं क्रेव कर रहा था। तो आई मेड 2 ग्लासेस ऑफ कॉफ़ी, एक मेरी छोटी बहन के लिए और एक मेरे लिए। ये है कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इमीडिएटली चाय के बाद कोल्ड कॉफ़ी पी है, ये काफ़ी घंटों के बाद है। बट बीच में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया। दिस इज़ हाउ आई मेक माई कोल्ड कॉफ़ी। जस्ट आप कॉफ़ी को और दूध को और चीनी को जैसे लोग बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाई थी। देन आई एंजॉयड इट ड्रिंकिंग। मज़ा आ गया था सच में ठंडी ठंडी कॉफ़ी पी के। फिर हम लोग निकले मार्केट, वही फर्नीचर वाली दुकान में जा रहे हैं। अब मैं इंट्रो कर रहा हूँ वो सुन लीजिए। गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं फाइनली शादी की शॉपिंग करने, जितना भी फर्नीचर वगैरह था। अभी सब लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ। दो चीज़ों का सिलेक्शन हो चुका है, एक ये ब्राउन वाला बेड और एक जो वहाँ पे कौन सी ये वाली अलमीरा। अभी ऊपर जाके सोफ़ा सेलेक्ट करते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में है, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू व्लॉग। मैं नॉर्मली ऐसे ही क्लिप्स लगा दूंगा, आप भी देख लेना। तो जी, इंट्रो करने के बाद टाइम ही नहीं मिला कि हम आपको बातें कर करके एक्सप्लेन कर दूं, इससे अच्छा है कि मैं अभी वॉइस ओवर कर देता हूँ। वेल, ये काफ़ी बड़ी दुकान थी, यहाँ पे हर एक फर्नीचर का या फिर आपको जो भी सामान चाहिए था सब मिल गया। मैंने घूम घाम के देख ली कि कितनी बड़ी क्या दुकान है, सच में बहुत बड़ी थी। मुझे ना यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलना था बट अकेला मैं क्या ही खेलता। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हमने क्या क्या सामान देखा। यहाँ पे ऐसे रैंडमली वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, ये सारे ना वुड के अच्छे वाले ड्रेसर थे। आपको जितना भी सामान दिख रहा है ना, ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इनके गोडाउन में, वेयर हाउस में, इससे 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अलमीरा देखने के लिए। वुडन की भी थी और ये कौन सा स्टील की बोलते हैं, ये वाली भी थी, हमने सारी देखी। वेल, पर्सनली मुझे विथ मिरर वाली पसंद आई यहाँ पे, और ये पिंक वाली भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। वेल, यहाँ पे भैया हमें और कलेक्शन दिखा रहे हैं कि अलमीरा में ऐसे ऐसे कलर और मिल जाएंगे। और जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वाली मैंने फाइनलाइज की थी क्योंकि इसकी हाइट भी अच्छी थी, इसमें साइड में मिरर भी था। देन वी केम टू द सोफा सेक्शन, काउच सेक्शन, आपको जो भी बोलना हो। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमने जो जो एग्जिस्टिंग सामान लिया, जैसे बेड और अलमीरा, उसके साथ कौन सा सोफा जा सकता है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी, वेयर सोफा भी हमने फाइनलाइज कर दिया था। देन हमने सूट केसेस देखी और यहाँ पे मैट्रेस देख रहे हैं, और यहाँ पे सभी डिस्कस कर रहे हैं प्राइस के बारे में, जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं यहाँ पे वीडियो निकाल रहा हूँ। यहाँ पे और सामान भी रखा हुआ था, क्या बोलते हैं, डेस्क के पास। यहाँ पे हम देख रहे हैं आयरन बॉक्स, काफ़ी भारी थी एक हाथ से ना, ये लिटरली 1-2 किलो की होगी। फिर मेरी हालत देखिए घूम घूम के कैसी हो गई है। यहाँ पे भैया वो सिलाई की मशीन चेक कर रहे हैं ऑल गुड और नॉट, क्योंकि मुझे सिर्फ कलर वगैरह पूछ लो, मुझे ये नहीं पता कि सामान कैसा क्या है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉशिंग मशीन। गाइस, क्योंकि वहाँ पे सामान सारा अवेलेबल नहीं था इसलिए हम इनके वेयर हाउस में जा रहे हैं। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार, बट सिलेक्शन अच्छा वाला कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं जो भी व्लॉग में दिखा रहा हूँ ना, मैं लिख दूंगा कौन सा हमने सिलेक्ट किया है। अभी चलिए, लेट्स गो। क्योंकि वहाँ पे सारा सामान अवेलेबल नहीं था, कुछ सामान दूसरी दुकान पे रखा हुआ था, इसलिए हम आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमने सामान चेकआउट किया, जो जो हमें चाहिए था बड़े लोगों ने सिलेक्शन किया, मैं तो बस पीछे पीछे घूम रहा था। घड़ियाँ वगैरह देखी, फिर हम गए इनके वेयर हाउस में। वेयर हाउस में जाने के बाद है ना, लिटरली मैं तो शॉक हो गया था कि ये क्या, इतने सारे बर्तन कौन रखता है भैया। पूरे गांव में हम डोनेट कर सकते हैं, इतने सारे बर्तन थे। और सिलेक्शन करना वो सुपर डिफिकल्ट,
इनकी दुकान भी भरी पड़ी थी। फिर हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और फिर ने पानी पूरी खा। ठीक है गाइस, मैं घर वापस आ चुका हूँ और व्लॉग इतना ही था। आई एम सो सॉरी कि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो हम गए थे रात को, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, एंड सेकेंड थिंग अब है ना, मैं आपको कैचअप करता हूँ उस दिन जब हम उस सामान को कलेक्ट करने जाएंगे, क्योंकि आज हम बस सेलेक्ट करके वहाँ पे रख के आए हैं, हम लोग घर पे लेके नहीं आए हैं, क्योंकि कल या फिर परसों जाएंगे। मैं आपको तब कैचअप करता हूँ। अनटिल देन गुड नाइट। हे गाइस, आज शायद मैं नेक्स्ट मिल रहा हूँ आपको 3-4 दिन के बाद, और आज हम फाइनली सामान लेके घर जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था, बट आज हम डायरेक्टली लेके जाएंगे। लेट्स गो। अभी है ना, यूटेंसिल्स वगैरह तो हमने चाट लिए हैं, बट अभी फर्नीचर के गोडाउन में जाके हम वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस, अभी जो आपने सामान देखा, हम लिटरली एक एक बर्तन बर्तन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कॉम्बिनेशन है ही नहीं। कुछ सामान यहाँ पे लाके रख दिया है, कुछ अभी भी ऊपर ले रहे हैं, और ऊपर है ना बहुत छोटी सी शॉप और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफरकेशन हो रही थी, इसलिए मैं तो बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे पानी भी नहीं है पीने के लिए, ये घड़ा रखने के लिए जगह है बट घड़ा रखा नहीं हुआ है, और गौर प्यास लग रही है। मैं सुबह बस उठ के ही आया था, मैंने चाय तक नहीं पी है। गाइस, सामान ऑलमोस्ट ले चुका है, हमें मिली है फ्री की माउंटेन, और वहाँ पे सामने वाली दुकान पे हम जा रहे हैं फ़ोन का कवर और फ़ोन का टेम्पर ग्लास दिलवाने के लिए, मेरा नहीं मेरे भाई का। सो लेट्स गो। आजकल वो पफ्ट वाले बहुत केसेस चल रहे हैं, मुझे तो नहीं डलवाना। लेट्स सी। एप्पल वॉच भी मिल रही है, विदाउट बॉक्स मिलेगी, प्लास्टिक की पन्नी में, सस्ती वाली है। गाइस, फ़ोन वाला काम भी डन हो गया, यहाँ के यूटेंसिल्स का भी काम डन हो गया, बट अभी घर जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भटकना पड़ेगा। अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, एंड आई एम सुपर बोर्ड, क्योंकि यार बर्तन कैसे मैं सेलेक्ट करूँ, एक एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ रही है। जो जो मुझसे हुआ मैंने किया था, आई एम जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग। सामने कुत्ता बैठा है, ये भी कॉन्टेंट नहीं दे रहा, मुँह उस तरफ फेर के बैठा है। ओए मक्कू, चोमो, टॉकी, क्या नाम है इसका? हेलो, कंटेंट ही नहीं दे रहा है, क्या करूँ, आगे ही कंटेंट की कमी है मेरे पास। बस यहाँ का काम हो चुका है, और अभी चलिए हम फर्नीचर वाली दुकान में चलते हैं, वहाँ पे हमें बेडशीट्स वगैरह भी खरीदनी है एंड सारा सामान लेना है। लेट्स गो। फर्नीचर वाली दुकान में आ चुके हैं, ऊपर चलते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर पैक करवाते हैं, फिर घर चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है। मैंने ये वाली अलमीरा सेलेक्ट की थी, क्योंकि इसके ऊपर लॉफ्ट भी है, बट अभी नहीं मिल रहे हैं। रेड कलर वाली एक हम आपको दिखाता हूँ, वो वाली हमें नहीं चाहिए, क्योंकि रेड कलर बहुत गंदा है, कोई भी रूम के थीम में रेड कलर नहीं जाएगा, इसलिए हम दूसरी जगह से लेंगे। वेल, रेड वाली डिज़ाइन अच्छा था, बट कलर अच्छा नहीं है। दिस वन आई डिडंट लाइक इट। अभी अलमीरा देखने के लिए हम दूसरी कोई दुकान में जा रहे हैं, सुबह से भटक रहे हैं, आगे जगह नहीं इसलिए पीछे खड़े हो रहे हैं, बट पीछे ज़्यादा इंजॉयमेंट है, बट बहुत धूप है।
उस दुकान से दूर इनके वेयर हाउस में आए हैं। ये रहा ब्लू कलर का, अब देखते हैं इसके अंदर तीन सेम अलमीरा मिलती है कि नहीं। बहुत दूर था ये, आई थिंक यहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग है, अलमीरा बनाते हैं। रेड पॉपिंग कलर, मैंने पर्पल पहनना है बस। अब अगर रूम येलो कलर का हो गया तो फुल मज़े आ जाएंगे। आई थिंक मैंने इसमें या ऐसी वाली सेलेक्ट की थी, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हैंडल आता था बट यहाँ पे ऐसा लॉफ्ट है। देखिए ये कितना अच्छा कलर है, इसमें ग्रेवी है रेड। अभी चलिए कौन सा रेडीमेड है वो उन लोगों ने साइड पे रख के रखा है। अलमीरा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, बट द प्रॉब्लम इज ये ड्रेसिंग अलग है। मुझे ड्रेसर यहाँ पे चाहिए था, समथिंग लाइक दिस। ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सील पैक है, हमारे भी शायद ऐसे पैक होके ही आएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। लास्ट एक घंटे से चपड़ चपड़ कर रहा हूँ, ब्लॉग की एंडिंग भी कर दिया बट आवाज़ ही नहीं आई क्योंकि इन महाशय महंगे वाला माइक है ना, सो कभी कभी काम करना बंद कर देता है। इग्नोर मेरी आँख, मुझे लगता है मुझे आई फ्लू हो गया या फिर आई इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आई फ्लू तो दोनों आँखों में होता है बट मेरी सिर्फ लेफ्ट आँख में हुआ। आई नो ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग ब्लॉग था, ब्लॉग देखने से ज़्यादा वहाँ जाके खड़े होने में ज़्यादा बोरियत का ब्लॉग। ये मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मेमोरी के लिए रहेगा, सेकेंड वाला थोड़ा वॉच टाइम मिल जाएगा, थर्ड वाला कॉन्टेंट। एंड अनदर थिंग इज़, मैंने ये ब्लॉग सोचा कि जब मैंने रिकॉर्डिंग कर ही लिया, एडिटिंग हो ही गया, तो सोचा कि एंडिंग भी करके इसे अपलोड कर ही देता हूँ। देन वॉट एल्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और ब्लॉग नहीं आएंगे। आई विल मेक श्योर कि मैं और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालूँ। और अगर आपको भी एक एडवाइस चाहिए कि आपके घर में कोई शादी है या फिर आप खुद को कोई फर्नीचर सेलेक्ट करने में मुश्किलें हो रही हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने कोई मेल आईडी नहीं दिया, आप कृपया करके मुझे कॉन्टैक्ट ना करें। ये ऐसे ही मैंने एक रैंडमली ब्लॉग शूट किया था एक्साइटमेंट में कि आई एम अ ब्लॉगर, और फिर जाके पता चला कि ये सच में बहुत गंदा ब्लॉग बना है। बीच बीच में मैंने वॉइस ओवर दे के ट्राई किया कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि आगे अच्छे वाले ब्लॉग ज़रूर आएंगे, आई एल मेक श्योर। और क्या क्या कर सकते हो, कमेंट कर देना, कॉपी लिंक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मैं बस सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि इस ब्लॉग की एंडिंग करने में ना मेरी मौत आ रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वेरी 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 सून, आई थिंक 10-15 दिन बाद। चलिए बाय। मैं बाय बोलने में जितना एक्साइटेड होता हूँ उतना एक्साइटेड ब्लॉग में क्यों नहीं होता, आई रियली डोंट नो। अगर मुझे व्लॉगिंग ही पसंद नहीं है तो मैं फिर व्लॉग बनाता ही क्यों। नेवर माइंड गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। देखो फिर से एक्साइटमेंट।